तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो एज क्वालिफिकेशन और आपका सारा क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन के लिए 18-30 ईयर एज लिमिट रहना चाहिए और आपका क्वालिफिकेशन बीएससी पीसीएम चलेगा विद 50% मार्क्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में हो तो 45% ही चलेगा। या आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग से विद मिनिमम 50% के साथ ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 45% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए चलेगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों मैं तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो वही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटिव ब्रांचेस बताई गई हैं, ठीक है। केवल इतना ही अंतर है, आप देखोगे बाकी का सेम है। ऐसे दोस्तों जूनियर इंजीनियर ग्रेड इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर आप देख रहे हो 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल, उससे रिलेटिव ब्रांचेज और बाकी का वही है, एज क्राइटेरिया वही है। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए 18-30 ईयर एज लिमिट है, यहाँ पर मैट्रिक और प्लस रेगुलर आईटी इलेक्ट्रीशियन, बाकी का जो आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया वो सेम है। नेक्स्ट बात करूँ अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल फिटर के लिए, तो एज वही है मैट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई, वो ट्रेड फिटर से रहना चाहिए, इतना एरर रहता है। लोको अटेंडेंट ग्रेड थर्ड के लिए तो यहाँ पर पता है मैट्रिक एसएसएलसी एसएससी प्लस फुल टाइम आईटीआई मैकेनिक, तो यहाँ पर उसे रिलेटिव होना चाहिए वही चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर भी देख रहे होगे आप, या आपके पास एसएसएलसी मैट्रिक विद एनएसी, ठीक है। नेक्स्ट बात है लोको अटेंडेंट सेकंड के लिए, तो आप फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल विद मिनिमम 50% मार्क, अदर कैटेगरी के लिए 45, बहुत सारे जो पहले मैं बताऊँ वही चीज़ है। मार्केटिंग के लिए बात करूँ तो एज क्राइटेरिया 18-30 ईयर, क्वालिफिकेशन बीएससी रेगुलर एग्रीकल्चर से, और वो भी वो एज वाला क्राइटेरिया जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे भी है। बाकी का आपका देखो ये चीज़ें बताई गई हैं कि भाई आपका क्वालिफिकेशन है तो यूसीजी से एआईसीटी से स्टेट से जो अप्रूव होना चाहिए, अच्छा इंस्टीट्यूट रहना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, वो आपको अच्छे से पढ़ लें। फाइनली मेरा कहना ये है, मैं एक एक चीज़ बताने लगूँगा तो मेरे को तो इसी में टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का फ़ी क्या रखा गया है, तो 200 रुपये अमाउंट रखा गया, आप देख लोगे बाकी बैंक चार्ज रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पे पूरा तरीका यहाँ पर समझाया गया, पेमेंट आप कैसे करना है क्या करना है तो वो आप देख लें खुद से, और क्या क्या छूट दी गई है वो जानकारी और जो भी रिलेटिव है उससे वो नोट यहाँ पर आपको समझाया गया, गाइडलाइंस हैं वो समझा दी गई हैं आपको, क्या पेमेंट वो सारी चीज़ें बताई गई यहाँ पर। सेलेक्शन का तरीका क्या है, तो सेलेक्शन का तरीका वो चीज़ यहाँ पे आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझाएगी। पहले आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, फर्स्ट अप्लाई कैसे करना है वो तरीका यहाँ पे बताया गया भाई, nationalfertilizer.com के करियर ऑप्शन में जाके NFL वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ जाके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा 10/11/2021 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर आपको क्या करना है, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए वो चीज़ बता दी गई है, कितने KB में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, PDF में रहना चाहिए, किसके देखो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। मैं आपको मैं बाकी बहुत सारी कहानी कहाँ कहाँ सेंटर रहेंगे पूरी अच्छी तरीके से बताएगी, देखो आप देख रहे हो तो यहाँ पर तो पूरी जानकारी वो आपको खुद से पढ़ लें अच्छी तरीके से। फिर सिलेक्शन का तरीका यही है और सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, जो भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या होगा वो सारी जानकारी आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। चलते हैं दोस्तों फाइनली इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई, आप इंडियन होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना अच्छे तरीके से। मैं फाइनली बात करूँ तो हम चलते हैं फाइनली कि इसका इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो कट ऑफ 30/9/2021, स्टार्टिंग डेट 21/10/2021, लास्ट डेट 10/11/2021, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन जो लिंक है वो आपको अब डायरेक्टली मैंने आपको बताया तरीका उससे मिल जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बोलना, मैं आपको लिंक दे दूँगा, डायरेक्ट आप पहुँच जाओगे। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए पोजीशन वैकेंसीज हैं। तो पानीपत यूनिट के लिए बात कर लें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, लोको असिस्टेंट थर्ड के लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनली बात करें बठिंडा के लिए तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, लोको असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए वैकेंसी, लोको असिस्टेंट सेकंड के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल फिटर के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो विजयपुर यूनिट के लिए तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, लोको असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसी, लोको असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए वैकेंसी, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल फिटर के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी। मार्केटिंग डिवीजन के लिए बात करें तो मार्केटिंग के लिए वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। तो फाइनली नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कट ऑफ डेट और आपका क्राइटेरिया। तो कट ऑफ डेट क्या है यहाँ पे, तो कट ऑफ डेट है 30/9/2021, जिसके हिसाब से आपका एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस बहुत सारा काउंट होगा, कितनी डेट को आप कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी डेट के हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों एज, क्वालिफिकेशन, आपका सारा क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन, जहाँ पे एज 18 से 30 ईयर, क्वालिफिकेशन बीएससी। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों गोदरेज में, ठीक है, क्वालिटी के लिए वैकेंसी है, पूरा बता दिया गया, कंपनी का नाम, डिजिनेशन, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर क्यूए के लिए वैकेंसी है, गुजरात दहेज है, लोकेशन जो है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जॉब प्रोफाइल बताया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी गई हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया गया आपको पहले से ही सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन जैसे डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन दोनों चलेगा, प्रेफरेंस लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री जो है इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रोडक्शन से किया है उन्हें यहाँ पर मिलेगा। एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री वाले को, 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा वाले को। वो दोस्तों क्वालिटी फंक्शन इन प्लांट जो प्रोसेस एक्यूमेंट इंडस्ट्री जैसे यहाँ पर बता दिया गया है, प्रेशर वेसल, कॉलम रेक्टर, हीट एक्सचेंजर, ETC। प्रेफरेंस एक्सपीरियंस भी बता दिया गया यहाँ पे, स्किल क्या होना चाहिए वो बता दिया गया, जैसे आपको पूरा जो ISO के सर्टिफिकेट हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, हैं, सारी चीज़ें आपको क्वालिटी से रिलेटिव, कंप्यूटर से रिलेटिव, NDT से रिलेटिव पूरा बता दिया गया है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको लिंक यहाँ पर दिख ही रहा होगा, इस लिंक का डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इजीली इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों इंडियन ऑयल में ही बरौनी रिफाइनरी के लिए जो अप्रेंटिस के लिए वो निकल गई अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी वैकेंसी हैं जो दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस, अटेंडेंट ऑपरेटर जो केमिकल प्लांट के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर देखोगे 104 वैकेंसी ऐसी दोस्तों। आप फाइटर के लिए वैकेंसी है, हैं, बॉयलर के लिए वैकेंसी है, इस तरीके से टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी बहुत सारी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हैं, ट्रेड अप्रेंटिस, लेखाकार, सचिवी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हैं, इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल हैं। फाइनली देखो अलग अलग आप देख रहे हो बहुत सारी वैकेंसी हैं, आपको अप्रेंटिस करने का फिर से मौका मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होगे प्रतिमाह वेतन कितना मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। फाइनली इसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन आपको कल फुल मिल जाएगा, जो दोस्तों www.iocl.com पे उसमें एक ऑप्शन है व्हाट्स न्यू, उसमें जाना है, उसमें जाके आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ पे आप कल देख सकते हैं। तो कल जो 12/10/2021 से 10 बजे आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसे दोस्तों आप 12
11/2021 तक अप्लाई कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक, यहाँ पर देख रहे हो जैसा कि। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पर बता दिया गया है, लिखित परीक्षा 21/11/2021 है, ये सारी चीज़ें संभावित डेट है, और परिणाम का जो है 4/12/2021 है, ये सारी डेटें पहले से इन्होंने डिक्लेयर करके बता दी हैं। तो नोटिफिकेशन आपको अच्छे से जानकारी लेनी है तो आपको कहाँ सुबह मॉर्निंग में ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने तरीका बताया उसे अपना लेना है, या आप वेट करें, हम आपको कल लॉन्ग नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.indianindustrialtutorial.in पर जाके विजिट कर लो, उसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे वहाँ पर कुछ भी अपडेट हो तो आपको मेल के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए, जिससे आप टाइम टू टाइम उस फॉर्म को भर पाएँ, आपका डेट कोई निकले नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, बहुत जल्द मिलते हैं।